तो हेलो तो साड़ी पहनने की सही उम्र क्या है चौबीस साल तो हमेशा याद रखना जब भी बात होगी एसआर की तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड वाली सीरीज है अब सर ये टू फोर वन जीरो मैंने कहा फोर वन जीरो नहीं आई है आई फॉर इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी जब भी आप जिन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिव्यू कर रहे हो जब भी आप जिस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिव्यू कर रहे हो वो पूरे साल की नहीं है इट इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो हमेशा ये ऐसा ही लगेगा और सर ये रिव्यू कौन करता है वही बंदा करता है जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा है पूरे साल का यानी इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी सो द रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन कर रहा है बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ एंटिटी क्या ये बात समझ आती है हाँ सर इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया इट इज अ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो एज पर एप्लीकेबल एफ आर एफ बनी है प्लस ये कंप्लीट भी हो सकता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं फॉर अ पीरियड इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर और लेस देन फाइनेंशियल ईयर लेस देन फाइनेंशियल ईयर यानी फॉर अ पीरियड शॉर्टर देन एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर एग्जाम्पल क्वार्टर तो इंडिया में ऐसे होता है जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज है जितनी भी एंटिटीज लिस्टेड है हर एंटिटी को क्या करना है क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स देने होते हैं जिसका रिव्यू कौन करता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटर ही उसका रिव्यू करता है क्या ये बेसिक बात समझ आती है हाँ सर अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ जब आप रिव्यू कर रहे हो वेन यू आर डूइंग द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या आप ज्यादा डिटेल में प्रोसीजर करोगे या फ्यूअर प्रोसीजर करोगे सर फ्यूअर प्रोसीजर करेंगे तो यहां पे भी ऐसी होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पहले बात करते हैं सर रैप की दैट इज द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इसमें हम क्या करते हैं चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ठीक है ठीक है सर तो ये कहता है आपने अंडरस्टैंड करना एंटिटी को एनवायरमेंट को इंटरनल कंट्रोल को अब क्या करें इसके लिए इन्होंने कुछ प्रोसीजर्स बताया सर इतने सारे प्रोसीजर क्या ये सब हमको याद करने मैंने कहा नहीं कोई भी पांच करके जाओ बाकी को बस रीड करके चलेंगे ठीक है सर सबसे पहले ये कहता है रीडिंग रीडिंग खेलते हैं क्या करेंगे रीडिंग रीडिंग खेलेंगे दो चीजों की आपने रीडिंग करनी है सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन की अब सर ये डॉक्यूमेंटेशन किसकी है पिछले साल की जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर ऑडिट या प्रीवियस ईयर रिव्यू इन सबको आप अच्छे से रीड करके चलो ठीक है सर प्लस जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन रिलेट करती है टू द कॉरस्पोडिंग इंटरिम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर इसका क्या मतलब है सर सपोज अभी आप जो रिव्यू कर रहे हो वो कर रहे हो क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर ठीक है सर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरिम पीरियड क्या होगा क्वार्टर थ्री ही होगा बट प्रीवियस ईयर क्या है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख के चलोगे फॉर द रिव्यू ऑफ दिस क्या ये बेसिक बात 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 सर सर तो सिंपल सी बात है 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 की 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 एक जो 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 पिछले सालों की है, जो पिछले सालों डॉक्यूमेंटेशन 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 पीरियड्स चाहे ऑडिट हो या रिव्यू वो आपने रीड करनी ठीक प्लस जो आपके पास इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड इसको भी आपने रीड करके चलना है तो एक तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन एक आपके पास जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फाइनेंशियल अवेलेबल है है इनको रीड करेंगे ठीक है सर अब जब आप इसको रीड कर रहे हो मुझे बताओ किसके ऊपर फोकस फोकस करना करना है है सर हमें ऑन द सिग्निफिकेंट रिस्क सेव इन मी हमें फोकस करना है किसके ऊपर सिग्निफिकेंट रिस्क अगर आपको याद हो सिग्निफिकेंट रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है एस 315 में जाता है एंड वहां पे हम बात करते थे एक छोटा सा तरीका था हमने जिससे इसको याद रखा था कॉम्प्लेक्स फ्रॉड ठीक है कॉम्प्लेक्स फ्रॉड की बात करते थे अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके फटाफट -फड़ ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना फाइव एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क पहला एग्जांपल में बता रहा हूं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। बाकी ये जो एफ आर ओ यू डी है

अगला पॉइंट निकलेगा मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो आप बोलोगे नेचर ऑफ करेक्टेड और अनकरेक्टेड मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन द प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछली बार आपको किस तरह की गलतियां मिली थी उनको भी ध्यान रखना क्या पता इस बार भी वो गलतियां हो ठीक है सर अब मुझे कैसे पता लगेगा मिसस्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं तो लास्ट बात आपने कंसीडर करनी है मटेरियलिटी की लास्ट बात आपने कंसीडर करनी है मटेरियलिटी की और मटेरियलिटी कहां यूज होती है ये तो अब हम मतलब इतनी बार बोल दिया ना याद ही हो गया सर यूज तो और 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 तो उनको कहावेलुएट करने के लिए मटेरियलिटी काम आती है तो यही पांच पॉइंट आपने कवर करने पॉइंट क्या है रीडिंग वाले रीडिंग द पुराने ऑडिट और रिव्यू की डॉक्यूमेंटेशन रीडिंग द ऑडिट जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एनुअल वाली और इंटरम वाली उसको हम रीड करके चलेंगे ठीक है सर जब आप ये रीड कर रहे हो तो फोकस किस पे करना है सिग्निफिकेंट रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो अगला पॉइंट है मटेरियल मिसस्टेटमेंट करेक्टेड या अनकरेक्टेड एंड लास्ट में सर क्या आएगा मैंने कहा लास्ट में आएगा मित्रों क्या मटेरियल है कि नहीं तो उसके लिए कंसिडर द मटेरियलिटी तो यही आपने तीन चार पांच पांच ये कंसीडर करके चलने हैं इसके अलावा सर हमें क्या क्या देखना है मैंने कहा सिंपल सी बात है जो भी आपको लगता है कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग मैटर्स हैं, ये सब आप देख के चलो क्या पता आपको कोई मटेरियल वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल मिल जाए ठीक है सर दूसरा आप तो ऑडिट भी कर रहे हो आपको तो पता ही है यहां रिव्यूअर कौन है वही जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा है तो जो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स करे हो सकता है आपको उससे कुछ सीखने को मिला मिलोम के रिगार्डिंग उसको कंसीडर करो प्लस आपके अलावा कोई इंटरनल ऑडिटर भी है तो जो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट है उसको आप देख सकते हो ठीक है सर मैनेजमेंट का जो फ्रॉड रिस्क असेसमेंट होता है जिसकी बात हम करते हैं टू फोर्टी में उसको देख सकते हो अगर एनटीटी की बिजनेस एक्टिविटीज में कोई चेंज हुआ है तो आपको भी अपनी अंडरस्टैंडिंग अपडेट करनी पड़ेगी तो वो चीज करनी है ठीक है सर

हम यहां रीड क्या करेंगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग है सर ये मीटिंग किसी की भी हो शेयर होल्डर की हो टीसी की हो बाकी कमिटीज की हो ऑडिट कमेटी स्टेक होल्डर कमिटी नॉमिनेशन रिमेशन कमिटी हमको लेना देना ही नहीं है कोई भी कमेटी है उसके मिनट्स रीड करके चलेंगे सर बट अगर मिनट्स अवेलेबल नहीं है तो पूछो मीटिंग में क्या हुआ इंक्वायर अबाउट द मैटर्स विच डेल्ट एट द मीटिंग अगर मिनट्स अवेलेबल नहीं है ठीक है सर अब मैं तुमको थोड़ा ना टॉपिक की फील्ड में ले जाने की कोशिश करूंगा साथ साथ चलना कभी कभी ऐसा होता है जब आप कोई चीज रीड कर रहे हो तो पुराने पुराने बुरे बुरे ख्याल सामने आते हैं हाँ होता तो है तो जब भी ऐसा हो कि तुम कुछ रीड कर रहे हो पुराने ख्याल सामने आए तो ऑडिटर के लिए पुराने बुरे ख्याल क्या हो सकते हैं सर पिछली बार कुछ मटीरियल स्टेटमेंट मिली थी जिस वजह से हमने ओपिनियन को मॉडिफाई किया था इससे बुरा ख्याल हो सकता है नहीं यही ऑडिटर के दिमाग में आया कंसिडर द इफेक्ट ऑफ मैटर्स गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑडिट और रिव्यू रिपोर्ट एट द टाइम ऑफ प्रीवियस ऑडिट और रिव्यू पिछले ऑडिट और रिव्यू के बुरे ख्याल इसको आए और जब भी बुरे ख्याल आते हैं आप क्या करते हो सर हम अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं हम किसी ना किसी बंदे से बात करते हैं तो जैसे इसको ये ख्याल आया इसने भी माइंड डाइवर्ट किया और इसने कम्युनिकेट किया किसके साथ component के ऑडिटर के साथ ओहो हो सर ये तो बड़ी अजीब बात है बड़ी ही अजीब बात तुमको ध्यान रहेगी तो कम्युनिकेटिंग जहां भी आपको जरूरत लगे ऑडिटर्स रिव्यूइंग द इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कॉम्पोनेंट तो अगर कोई सब्सिडरी है

ये तो बेसिक हो गया कुछ चेंजेस हैं क्या यानी एनी चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज और इन द अकाउंटिंग मेथड्स ऑफ अप्लाइंग देम ठीक है सर तो आपने यहां पे चेंजेस की भी बात कर ली मैंने कहा बेसिक हो गया चेंजेस हो गया अब आप इनसे पूछो कुछ नया तो नहीं है नया मतलब आपने साल में कोई हो सकता है कोई नई ट्रांजेक्शन करियो हो।, हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ले लियो जिस वजह से आपको लगाना पड़ा हो इंड एस वन वन सिक्स हाँ सर आकाश सर ने सिखाया है मैंने कहा वेरी गुड तो जब भी कोई नई ट्रांजेक्शन होगी तो हो सकता है आप पे कोई नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो गए हो तो वो भी चेक कर लेना तो ये तीन चीजों को लेकर सबसे पहले इंक्वायरी करेंगे बेसिक चेंजेस न्यू बोलो मेरे साथ बेसिक चेंजेस न्यू एक और बार बेसिक चेंजेस न्यू क्लियर है क्लियर है सर अब आप मैनेजमेंट को बोलो सच्ची सच्ची बताना सच्ची सच्ची बताना तुम कोई ऐसी तो नहीं है जिसको तुम जानते हो बट तुमने करेक्ट नहीं किया सर वो ऐसे बताएगी थोड़ी बट जब तुम बोलते हो ना सच्ची सच्ची बताना सामने वाला बता देता है ऐसा मैंने तो देखा है तो ये कहता है पूछो मैनेजमेंट से वेदर द इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन्स एनी नॉन अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्या कोई ऐसी नॉन अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है जिसको उसने करेक्ट नहीं किया अगर मैनेजमेंट कहती है हां है अगर मैनेजमेंट कहती है हां है तो बोल देना तुम फ्रॉड हो बोल देना तुम फ्रॉड हो और जैसे ही तुमने बोला तुम फ्रॉड हो तुम्हारे पांच पॉइंट खुल गए सर पांच पॉइंट क्या खुल गए एफ फॉर फ्रॉड कौन से फ्रॉड मैंने कहा कोई से भी फ्रॉड हो सकते हैं कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड हो या कोई एक्चुअल फ्रॉड हो जिसमें

ए का क्या मतलब है मैंने कहा ए का मतलब है अजम्पन जो आपने अजम्पन लगाई है इन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट ठीक है आपको पता है इंड एस वन वन थ्री ओ यहां आपके कई सारी अजम्पन एंड इन मेथड्स इनपुट्स लगते हैं तो क्या आपकी अजम्पन प्रॉपर है या नहीं प्लस प्रॉपर है है किस पे डिपेंड करता मैनेजमेंट मैनेजमेंट की इंटेंट एंड एबिलिटी क्या management का इंटेंशन है क्या मैनेजमेंट की एबिलिटी टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन इसको देख के चलेंगे सर यू का क्या मतलब था यू का मतलब वही है अनयूजल सिचुएशन फॉर एक्साम्पल क्या ऐसा अनयूजअल हो सकता है जिससे हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अफेक्ट हो तो ये एक्साम्पल देते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन का सपोज आपने कोई सब्सिडी ली तो अब कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी सपोज आपने कोई एस, ए, ली, तो अब आपको इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग लगाना पड़ेगा तो कोई अगर ऐसी अनयूजल और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है हाँ सर बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन से कॉम्प्लेक्स तो कोई क्वेश्चन होता भी नहीं तो वही एक्साम्पल आपने इसमें ध्यान रखना है डी का मतलब है बड़ा सिंपल डेट कोवनेंट जो आपने लोन ले रखे हैं क्या एज अ कंपनी आपने लोन की उन टर्म्स एंड कंडीशन से कंप्लाई किया या नहीं तो यही बेसिक बेसिक बातें आपने इसमें ध्यान रख के चलनी है मुझे लगता है इतनी इंक्वायरी काफी है बाकी चीजें आप रीड कर सकते हो सो वंस अगेन क्विकली हेल्प मी रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताओ मुझे कैसे रिवाइज करेंगे मैंने कहा इंक्वायरी करेंगे सबसे पहले तो बेसिक चीज जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रिपेयर प्रेजेंटेड एज पर द एप्लीकेबल आई एफ फिर पूछो कोई चेंज है क्या इन द अकाउंटिंग पॉलिसी कोई नई ट्रांजेक्शन क्या जिसकी वजह से नया अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाना पड़ा फिर बोलो

क्लियर है सर अब सारे के सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ हमने एक ऐसे किया था सर जिसका नाम क्या था एसए फाइव जीरो वन वहां पे हम बात करते थे स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम तीन बातों के बारे में बात होती थी इन्वेंट्री लिटिगेशन क्लेम्स एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन जो आपका लिटिगेशन एंड क्लेम्स होता था उसकी हम क्या चेक करते थे सर कंप्लीटनेस देखते थे वेरी गुड तो जब आप उसकी कंप्लीटनेस देखते थे तो आप कुछ प्रोसीजर करते थे क्या क्या इंक्वायरी मैनेजमेंट एंड लीगल काउंसिल ठीक है सर दूसरा क्या करते थे, मैंने करते थे क्योंकि वेरी गुड एंड लास्ट में जो कंपनी का लीगल एक्सपेंस अकाउंट होता था इसको रिव्यू करते थे ये तब करते हुए अगर मुझे लगता था रोमम ज्यादा है, ओहो हो. अगर मुझे लगता था रोमम ज्यादा है तो मैं क्या कहता था मैं कहता था मुझे करनी है डीसी डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल यही सेम बात यहां लिख रखी है कहता है आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना नेसेसरी नहीं है बट अगर आपको लगता है ऐसे हालात है, अगर आपको लगता है आपको कोई ऐसा मैटर मिला टू योर अटेंशन की इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रिपेयर इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट एज पर एफ आर एफ यानी देर इज अ रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट तो आप एंटिटी के लीगल काउंसिल से बात कर सकते हो अगर आपको लगता है उसके पास वो इंफॉर्मेशन होगी तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको समझ के चलनी है आईसीआई इस कोई केस केस स्टडी स्टडी बेस्ड एमसीक्यू या पूछ सकता है 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 क्लियर क्लियर सर अब आ जाओ इवेंट्स ये कहता सबसेक्ट इवेंट्स पहले तो बताओ कौन सा ऐसे था मजा आता है पता है मुझे ये नहीं कराते वक्त क्योंकि इसमें पूरा ऑडिट एकदम शानदार तरीके से रिवाइज हो जाता है ऐसे 560 सिक्सटी सब्सिक्वेंट इवेंट मुझे बताओ इसके लिए हम क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर करते थे सर सबसे पहले तो हम मैनेजमेंट से समझते थे ंडरस्टैंड द प्रोसीजर्स ऑफ द मैनेजमेंट जिससे वो आइडेंटिफाई करते सब्सिक्वेंट इवेंट फिर हम उनसे इंक्वायरी करते थे क्या तुमको कोई ऐसा इवेंट मिला जिसका एडजस्टमेंट या डिस्कलोजर रिक्वायर्ड है फिर यह बड़े बोरिंग लोग है तो हम यहां पर भी रीड करते थे सर क्या मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड इसी के साथ हम बात करते थे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है ठीक है सर एंड लास्ट में लेते थे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये सारी कहता है भाड़ में गई सारी बातें ऐसा ही कहता है भाड़ में गई सारी बातें तुमको ये करने की भी जरूरत नहीं है तुमको ये करने की भी जरूरत नहीं है ये करने की भी जरूरत नहीं ये करने की भी जरूरत नहीं है तुम सिर्फ इंक्वायरी करो तुम सिर्फ इंक्वायरी करो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो क्या कोई ऐसा इवेंट मिला अप टू द डेट ऑफ रिव्यू रिपोर्ट जिसका एडजस्टमेंट या डिस्कलोजर रिक्वायर्ड है जिसका एडजस्टमेंट या डिस्कलोजर रिक्वायर्ड है आपको बाकी प्रोसीजर्स करने की जरूरत ही नहीं है क्लियर है क्लियर है सर मजा आ गया सर अब 560 के बाद आता है एस सर फाइव 570 में कुछ भी नहीं है आप से पूछो, सुनो ना, क्या कोई ऐसा इवेंट और कंडीशन है आप उनसे पूछ लो. अगर तो से पूछो तुम्हारा प्लान क्या है और उस प्लान की दो क्वालिटी 570 में अच्छे से पढ़ रखी है प्लान कहीं ना कहीं फिजिबल होना चाहिए कि भाई हाँ एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो सकता है प्लस इट शुड इंप्रूव सिचुएशन तो यही बात लिख रखी है इंक्वायर द मैनेजमेंट फॉर द प्लान प्लान शुड है तो उसका एडिकुएजर होना चाहिए इन द इंटर इन्फॉर्मेशन अब सर प्लान में क्या क्या हो सकता है तो मैनेजमेंट को पैसे कैसे मिलेंगे या तो वो कोई अपना एसिड बेच देगी ठीक है सर या वो मार्केट से लोन ले लेगी ठीक है सर या वो अपने खर्चों को कम कर देगी या कैपिटल इंक्रीज कर देगी तो यही तीन चार तरीके बेच दो या मार्केट से पैसा उठा लो कैसे थ्रू थ्रू कैपिटल दीज आर द बेसिक थिंग्स इट कैन डू बट अल्टीमेटली प्लान का दो चीजें क्या चेक करनी थी इंप्रूव होनी चाहिए सिचुएशन एंड इट शुड बी फिजिबल बोलो मेरे साथ इंप्रूव होनी चाहिए सिचुएशन एंड इट शुड बी फिजिबल ये बेसिक सी बात आपने ध्यान रख के चलनी है सर खुदा ना खास्ता खुदाना खासता मुझे एंटिटी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे डाउट है फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल जैसे मान लो एंटिटी की जो सेल्स है उन्होंने मार्च 24 में एक सेल्स ट्रांजेक्शन है लेट से मैं एंटिटी का नाम लेता हूं मदरसन सूमी ठीक है आपको पता है मदरसन सुमी का काम क्या है हाँ सर मदरसन सूमी का, का काम है ऑटोमेटिव पार्ट्स बनाना अब इसने मार्च 24 में एक ट्रांजेक्शन है जो इसने कर रखी है मारुति के साथ अब सर ये जो ट्रांजेक्शन है मान लो दस करोड़ की है ठीक है सर ये जो ट्रांजेक्शन है इसने रिकॉर्ड ही नहीं करी फाइनेंशियल ईयर में गुड्स डिस्पैच हो चुके हैं मारुति ने रिसीव कर लिए हैं फिर भी इसने मार्च 24 में रिकॉर्ड नहीं करी इनका ऐसा मेरे को ये चीज समझ नहीं आई तो क्या मैं बोल दू एक डिस्क्रिपेंसी इन द काउंटिंग ट्रीटमेंट हाँ सर हमको एक डिस्क्रिपेंसी मिल गई तो अब मैं क्या करूंगा सर अब जो इनका सेल्स वाला बंदा है जो इनका सेल्स वाला बंदा है उससे बैठ के मैं इनका रेवेन्यू स्ट्रक्चर समझूंगा मैं इनकी रेवेन्यू स्कीम समझूंगा कि मारुति के साथ इनके रेवेन्यू के क्या एग्रीमेंट है क्या एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि सेल्स तभी रिकॉर्ड होगी जब मारुति क्वालिटी चेक अप्रूव करेगा तो ऐसा उसने मुझे बोला ऐसा उसने मुझे बोला कि जब मारुति क्वालिटी चेक अप्रूव करेगा तभी हम सेल्स बुक करते हैं तो मैंने क्या करी सर सबसे पहले सेल्स वाले बंदे से इंक्वायरी करी अब अब बंदा बंदा सच बोल रहा है या अब ये बंदा सच बोल बोल रहा रहा है है या या झूठ झूठ इसके लिए मैं क्या करूं सर आप रीड कर सकते हो इसका कॉन्ट्रैक्ट जो इसका सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है उसको रीड कर सकते हो तो आपको सफिशियंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाएगा यही बात यहां लिख रखी है जब भी आपको लगे कोई मटेरियल एडजस्टमेंट की जरूरत है तो आप क्या करोगे एडिशनल इंक्वायरी करोगे एडिशनल इंक्वायरी मतलब आप उनके सीनियर मार्केटिंग या अकाउंटिंग से टर्म्स ऑफ समझ सकते हो प्लस उनका सेल्स कॉन्ट्रैक्ट देख के ये बात सीख सकते हो क्या यह बेसिक सी बात समझ आई हां अगेन इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आई से आपसे पूछ सकता है ठीक है सर अब सर इवेलुएशन ऑफ मिस्टेटमेंट इज जस्ट लाइक एस ए फोर फिफ्टी जितनी भी अनकलेक्टेड स्टेटमेंट है बस ये ध्यान रखना वो मटेरियल नहीं होनी चाहिए ठीक है चाहे इंडिविजुअली या कलेक्टिवली एंड इसमें आपकी प्रोफेशनल जजमेंट लगेगी तो अगेन बस रीड करके चलना नथिंग इंपोर्टेंट नाउ कम्स रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऐसे फाइव में कुछ भी नहीं है वो ही सेम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है जो हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मेंटीरियल ना हो तो आपने इंटरनल कंट्रोल लगाया तो ये जो इनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसको लेके आपने ले ली अब बताओ तड़कती भड़कती चीजें क्या है सर तड़कती भड़कती वो चीजें जहां पे मटीरियल मिस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा है बताओ कौन सी आपको याद है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग हाथ इसमें ना अदर मैटर्स होते थे बताओ क्या क्या सर अदर मैटर्स होते थे फ्रॉड अगर फ्रॉड हुआ तो क्या ये कंप्लायंस 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 विद विद लॉज लॉज एंड एंड रेगुलेशन रेगुलेशन है नॉन नॉन फिर आप पे इतनी भारी पेनल्टी लगेगी कि गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाएगा एंड इसके साथ हम फ्रॉड करते किसके साथ थे रिलेटेड पार्टी के साथ तो यहां आपने मेन मेन जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है वो किसको लेके लेनी है मैंने कहा इसी में से आपने दो बातें हमेशा लेनी होती है फ्रॉड और नोकलार no तो यहां आप फ्रॉड वही वाले पकड़ लेना सर फ्रॉड कौन कौन से जो भी फ्रॉड है इनको लेके फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड को लेके ऑडिटर को सारी बातें डिस्क्लोज कर दी गई हैं ठीक है सर प्लस फ्रॉड को लेके जो रिस्क है रिस्क असेसमेंट है वो भी ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दी गई है तो ये दो बातें ध्यान रखना ऑल द फ्रॉड्स एंड सस्पेक्टेड फ्रॉड्स हैव बीन प्लस जो फ्रॉड की रिस्क असेसमेंट है दैट हैज आल्सो बीन प्लस जो नो क्लार है एक्चुअल और पॉसिबल नो क्लार है वो भी ऑडिटर को बता दिया गया है एंड सर

तो क्या क्या चीजें आगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में जल्दी से बताओ बेसिक वाली चीजें इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है सर इसके साथ आगे टू फोर्टी के दो पॉइंट्स जितने भी फ्रॉड्स हैं या फ्रॉड रिस्क असेसमेंट है ये ऑडिटर को बता दिए पॉसिबल और एक्चुअल आ आ गया गया ठीक है सर एंड लास्ट में हमारा 560 और उसके बाद करेक्ट जो अनकरेक्टेड स्टेटमेंट है वो मटीरियल नहीं है इसको लेके हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते थे ऐसे फोर में तो नथिंग क्रिटिकल अबाउट दिस टॉपिक जस्ट एक बार दो बार रीड करोगे अपना भी सारे पॉइंट्स में बैठ जाएंगे ठीक है सर। अकंपनिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, है? इससे हमको कौन से ऐसे की फील लेनी है तो मैंने कहा बताऊं उससे पहले जल्दी से पानी के दो घूंट लगाओ बस आखिरी सांसें ले रहा है अकंपनिंग इन्फॉर्मेशन इज जस्ट योर अदर इन्फॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन विच इज देयर इन योर एनुअल रिपोर्ट जो कंपनी की कहीं ना कहीं एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनती है अब ध्यान से समझना सर ये टॉपिक क्या कहता है इधर आओ पहले ऑडिट वाला रिवाइज करते हैं ऐसे सेवन में क्या लिखा था सर एसे सेवन ने कहा था क्या मुझे एनुअल रिपोर्ट का ऑडिट करना है नहीं बस रीड करना है बस मुझे एनुअल रिपोर्ट को रीड करना है ये देखने के लिए कि जो एनुअल रिपोर्ट है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनके बीच में मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए ऐसा ना हो एनुअल रिपोर्ट कह रही हजार करोड़ का रेवेन्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट करे रहे सौ करोड़ का रेवेन्यू तो फर्क बस एक जीरो का है बट इट इज अ अटीरियल इनकनसिस्टेंसी तो कहीं ना कहीं एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या नहीं होनी चाहिए मटीरियल इनकं नहीं होनी चाहिए अब अगर मटीरियल इनकंटेंसी है तो या तो एनुअल रिपोर्ट गलत है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल स्टेटमेंट है तो कौन सा ऐसे भट पटाएगा एसे सेवन जीरो मॉडिफाइर ओपिनियन ये बात तो गई सर अब अगर एनुअल रिपोर्ट में मटीरियल स्टेटमेंट है तो क्या करते हैं मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्लीज इसको ठीक करो ना अगर मैनेजमेंट ने ठीक कर दिया तो चेक करो ठीक किया कि नहीं अगर मैनेजमेंट कहता है नहीं ठीक करूंगा तो टीसीडी के पास जाएंगे हम कहीं ना कहीं टीसी के पास जाएंगे करेक्शन करवाएंगे अब अगर उन्होंने करेक्शन करी तो बढ़िया है नहीं करी तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे सर कैसी नलायकों वाली बातें कर रहे हो ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं करते हम ऑडिट रिपोर्ट में एक पैरा डालते हैं अदर इंफॉर्मेशन और उसके अंदर लिखते हैं क्या कि ये जो अदर इंफॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट में दे रखी है इट हैज मटीरियल तो जो भी वो मटीरियल स्टेटमेंट है वो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डिस्कलोज करते हैं क्या ये बेसिक सी बात समझ आती है हाँ सर अब देखो यहां क्या कहता है सेम टू सेम डिटो बातें मिलेंगी मजा आ जाएगा देखो क्या कहता है यहां पे भी आपको इसको ऑडिट नहीं करना बस रीड करके चलना है रीड क्यों करना है कि देखने के लिए कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं बट अगर मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिल गई तो अब देखो गलती किसमें है इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन किसको अमेंडमेंट की जरूरत है अगर लगता है इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में दिक्कत है और मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं कर रहा तो आप अपनी रिव्यू रिपोर्ट पर उसकी इंप्लीकेशन देख लेना जो भी आपको सही लगता है डाकू ओपिनियन में से सर डाकू मतलब डिस्क्लेमर एडवर्स क्वालिफाइड जो आपको ठीक लगे कर देना सर बट अगर लगता है अमेंडमेंट इज नेसेसरी इन अदर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं कर रहा तो आप अपनी रिपोर्ट में पैराग्राफ डालोगे जिसमें आप बोलोगे कि उसमें मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है या आप ऐसा कर सकते हो आप रिपोर्ट इशू ना करो या आप विथड्रॉ करके पतली गली से निकल जाओ तो जो आपको इसमें ठीक लगता है जो आपको इसमें ठीक लगता है वो आप कर सकते हो तीन ऑप्शन दिए एसआरई ने या तो एडिशनल पैराग्राफ डालो या विड्रॉ कर लो या विदहोल्ड कर लो बोलो मेरे साथ एडिशनल पैरा डालो विद्रॉ कर लो या विदहोल्ड कर लो तीनों में से कोई भी चीज आप करके चल सकते हो इसके ऊपर स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैन बी ठीक है सर अब सर अब का क्या होता है तो मैंने कहा सिंपल सी बात है आज की डेट में ना एंटिटीज हो गई है हाई इवन जब आप शार्क टैंक देखते हो तो बच्चे क्या पूछते हैं वहां पे सर तो बच्चे नहीं वो है मैंने कहा सॉरी वो क्या पूछते हैं अपना एबिडा बताओ हो। क्या बताओ जल्दी से बोलो एबिडदा सर ये जो एबिडदा है इसका भी मार्केट में नया टर्म आ गया एडजस्टेड अबिटदा क्या नाम आ गया सर एडजस्टेड अबिटदा अब अगर कंपनी कोई एबिडदार डालती है कोई डाल देती है पता नहीं क्या क्या नए नए नाम बनाते जाते हैं तो अगर एनुअल रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई है उसमें तो सर ये बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है उसमें तो ये बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है ऐसा लग रहा है कंपनी तो मतलब धूम मचा रही है बट जब मैं जाता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जब मैं जाता हूं एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वहां तो सर लॉसेस ही लॉसेस Losses ही losses दिख रहे हैं बहुत ज्यादा बैंड बजी हुई है तो क्या ये एक मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है हाँ यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है तो क्या एंटिटी का काम नहीं है कि वो ये एबिडदा वगैरह की कैलकुलेशन दिखाए वो इसकी कैलकुलेशन दिखाए या वो इसकी रिकनसिलेशन दिखाए विद द एंटिटी आंसर इज यस अगर वो ये कैलकुलेशन दिखाती है रिकनसिलेशन दिखाती है वेरी वेरी गुड बट अगर नहीं दिखाती तो ये मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी है एंड इसके बारे में जो मैंने आपको ऊपर बताया वैसे आपने रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या यह बेसिक बात समझ आती है हाँ सर तो सर ये बात तो हो गई अमाउंट की यह बात तो हो गई अमाउंट की बट वॉट अबाउट अ मटीरियल फैक्ट अगर वहां पर कोई फैक्ट का मटीरियल मिस्टेटमेंट है तो मैंने कहा क्या करें सर फैक्ट का मतलब क्या है फॉर एग्जाम्पल लेट से एयरटेल की बात करते हैं जो आपका एयरटेल है वो कहता है हमने इस क्वार्टर में टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स एड करे टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स एड करे सब्सक्राइबर्स बोल दो या जो भी कस्टमर्स बोल दो एड करे अब सर ये जो टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स है ना वो यहां पे जो ये बोल रहा है टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स एड करे दिस इज द रॉन्ग थिंग दिस इज द रॉन्ग थिंग ये जो फैक्ट है ना ये गलत है ये अमाउंट की बात तो कर ही नहीं रहा ये फैक्ट की बात कर रहा है ये आपने एज ए ऑडिटर पता लगा लिया कि दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग तो क्या करें सर मैंने कहा सिंपल सी बात है मैनेजमेंट से पूछो क्या हरकत है ये क्या हरकत है तुम्हारी इतनी बड़े होकर तुमको ऐसी हरकतें करते हो शोभा देते है। ऐसे बात करना प्यार से ठीक है सर फिर देखो क्या ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है मतलब जब आप मैनेजमेंट से डिस्कस करो तो हो सकता है मैनेजमेंट आपको समझाए कि यार जो दस हजार सब्सक्राइबर्स ये हमने एक्चुअल में ऐड करे हैं वो आपको कुछ वर्किंग वगैरह देते हैं आपको लगता है कि हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं बट अगर आपको लगता है कि भाई दिस इज अ मैटर ऑफ जजमेंट ओपिनियन तो ठीक है बट समटाइम्स इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ कंसल्टेंसी तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो मैनेजमेंट को कि अगर हम दोनों ऑडिटर तो सही हो मैनेजमेंट गलत है तो और आपको एंड मैनेजमेंट इज रिफ्यूजिंग अप्रोप्रेट एक्शन लो या तो टीसीडब्ल्यूजी को कंप्लेंट कर दो या आप कुछ लीगल एडवाइस ले सकते हो तो अगेन ट तो, तो, तो जरूरी है बट मैनेजमेंट करके राजी नहीं है तो आप टीसीडब्ल्यू जी से बात करो या लीगल एडवाइस लो एकदम लॉजिकल फ्लो में आपने चलना है क्लियर है बॉस क्लियर है सर बस खत्म होने वाला है कम्युनिकेशन में क्या मेरेगा कुछ भी नहीं है कोई फ्रॉड मिला कोई नोकलार मिला मैनेजमेंट को, को बताओ टीसी जी को बताओ बट सर अगर फ्रॉड में मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो उनको मत बताना ठीक है अगर आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल एडजस्टमेंट्स की जरूरत है कोई चेंजेस की जरूरत है तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करके वो चेंजेस करवाओ बट अगर मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करती तो टीसी जी को बता देना सर ओरली बताना है राइटिंग में बताना है डिपेंड्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन सब बातों पर डिपेंड करता है बट अगर आपने कोई बात ओरली बताई है उसको अपने वर्क पेपर्स में डॉक्यूमेंट कर लेना अगर आपने कोई बात ओरली बताई है तो उसको अपने वर्क पेपर्स में डॉक्यूमेंट कर लेना अब सर ये जो टॉपिक है रिपोर्टिंग द नेचर एक्सटेंड ऑफ रिजल्ट ठीक है सेम सेम बातें जो पहले हमने ऑलरेडी में कर रखी उसी से सिमिलर सारी बातें ठीक है हर सर्टिफिकेट के लिए रिक्वायर्ड है क्लॉज बताओ मैंने कहा क्लॉज में दो ऑप्शन हमारे पास रहते हैं एक है क्लॉज वन टू टू जब मैं बोलता हूं कोई प्रोविजन रेगुलेशन या गाइडलाइन का हो गया या आप बोल सकते हो गापा वाला क्लॉज यानी डिपार्चर फ्रॉम अ गापा इज गॉट डिस्कलोज रिपोर्ट गापा मतलब जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑन ऑडिटिंग तो ये आईसीआई की गाइडलाइन है कि जब भी आप ऑडिट करो जब भी आप ऑडिट करो तो आपने यूडिन जनरेट करना है तो अगर आपने यूडिन नहीं जनरेट किया तो आपने ऑडिट के प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया तो सर कौन सा क्लॉज आ जाएगा नाइन वन टू ठीक है ये क्लॉजेस थोड़े थोड़े आपने ध्यान रखना है Sir, क्या कर रहे हो प्रोफेशनल एथिक्स भी तड़का लगा दिया आपने अब सर एक बात बताओ इधर देखो पानी के दो घूंट लगाओ बस एक दो तीन चार पा... अरे भाई खत्म ही नहीं हो रहा थोड़े थोड़े से टॉपिक्स और ठीक है, है? जल्दी से आ जाओ मेरे साथ बहुत मरियल मरियल टॉपिक है अब मजा आएगा मटीरियल में स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और तुमने पकड़ ली क्या बोला सर टीरियल स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और तुमने पकड़ ली यानी तुमको लगता है मटीरियल एडजस्टमेंट की जरूरत है और मैनेजमेंट नहीं कर रही मेरे कहा सिंपल सी बात है या तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन कंक्लूजन रिव्यू में वर्ड यूज होता है कंक्लूजन तो क्वालिफाइड और एडवर्स कंक्लूजन देंगे एंड हमेशा जब भी आप ये कंक्लूजन देते हो आपको अपना बेसिस बताना पड़ता है रीजन वगैरह बता के चलने पड़ते हैं ठीक है और इसके कोई फाइनेंशियल इफेक्ट वगैरह है तो बता देना इफ प्रैक्टिकेबल ठीक है सर बट सर हमको लगता है मटीरियल स्टेटमेंट नहीं है डिस्लोजर मिसिंग है तो अगर डिस्कलोजर मिसिंग है तो अगेन आप क्वालिफाइड और कंक्लूजन दोगे और जो आपका बेसिस है ना उसमें उन चीजों को कर देना जो मैनेजमेंट ने नहीं करी है जो बातें मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं करी है उन बातों को आप डिस्क्लोज करके चलोगे अपने बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में तो देखो क्या कहता है आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करो ठीक है सर एंड इफ प्रैक्टिकेबल इंक्लूड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं सर हम एक एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ ऐड करेंगे और क्वालिफाई करेंगे बट अगर इंपैक्ट मटेरियल और परवेसिव है तो एडवर्स करेंगे तो बेसिक बातें हमको ऑलरेडी ऑडिट में पता है वही बात यहां लिख रखी है सर बट कई बार ऐसा भी तो होता है हमें सफिशियंट एंड्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला उसको ऑडिट की लैंग्वेज में क्या कहते हैं लिमिटेशन ऑन स्कोप तो जब भी लिमिटेशन ऑन स्कोप होगा आप डिस्क्लेमर दोगे ये कहता है जब भी लिमिटेशन ऑन स्कोप होगा आप डिस्क्लेमर दोगे तो इसमें पूरी क्रोनोलॉजी याद रखना अगर रिव्यू एक्सेप्ट करने से पहले अगर रिव्यू एक्सेप्ट करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये एविडेंस नहीं देंगे डोंट एक्सेप्ट एक्सेप्टेजमेंट ठीक है सर बट अगर एक्सेप्ट करने के बाद ये हरकतें कर रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट करो प्लीज इस लिमिटेशन को हटाओ ना अगर वो नहीं हटाते और आपको लगता है आप अपना रिव्यू कंप्लीट नहीं कर पाओगे कंक्लूजन नहीं दे पाओगे तो ये बात मैनेजमेंट और टीसी को बता देना ठीक है सर अब देखना एज पर द लॉज एंड रेगुलेशन क्या आप विद्रॉ कर सकते हो क्या आप विड्रॉ कर सकते हो क्या आपको रिपोर्ट इश्यू करने की जरूरत है अगर रिपोर्ट इशू करने की जरूरत है तो डिस्क्लेम कर देना और जब भी डिस्क्लेम करते हैं तो हमको रीजन बताना पड़ता है बट सर अगर इंपैक्ट मटीरियल है परवेसिव नहीं अगर इंपैक्ट मटेरियल है बट नॉट परवेसिव तो आप क्वालिफाई करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा ये बेसिक सी बात आपने ध्यान रख के चलनी है ठीक है सर अब आ जाओ गोइंग कंसर्न रिपोर्टिंग यहां है मसाला यहां है एकदम देगी मिर्च का प्यारा तीखा लाल मसाला सर गोइंग कंसर्न का केस क्या है मैंने कहा गोइंग कंसर्न का केस समझाने से पहले एक बार हम देखते हैं होता क्या था जाओ मेरे साथ अरे जाओ मेरे साथ देखो गोइंग कंसर्न का केस क्या होता है ये देखो। जब भी आपको लगता है मटेरियल अनसर्टेनिटी जब भी आपको ऑडिट में लगता था मटेरियल अनसर्टेनिटी हम क्या देखते थे सर या तो डिस्क्लोजर है या डिस्क्लोजर नहीं अगर डिस्क्लोजर होता तो हम याद है मुर्ग पैरा डालते थे हम अनमोडिफाइड ओपिनियन देके मुर्ग पैरा डालते थे ये कहता है भाई साहब आप यहां रिपोर्ट को मॉडिफाई करोगे और मुर्ग पैरा नहीं यहां ईओएम पैरा आएगा यहां मुर्ग पैरा नहीं यहां ईओएम पैरा आएगा तो मेरे दोस्त मेरे प्यारे ध्यान रखना इस प्यारी सी बात को वेन एवर मटीरियल अनसर्टेनिटी एंड एडिको डिस्कलोजर इज देयर यू नीड टू जस्ट मॉडिफाई योर रिपोर्ट बाई एडिंग डिफरेंट बात है तभी मैंने डिफरेंट हाईलाइटर से बताया ठीक है सर अब सर हो सकता है पिछली बार भी ऐसा था पिछली बार भी आपने इस चीज को लेके ईओएम पैरा डाला था तो कोई और इस बार भी मटेरियल अनसर्टेनिटी है पिछली बार भी थी इस बार भी है तो कोई दिक्कत नहीं है इस बार वापस वापिस पैरा डालो और आप इस कंटिन्यूड मटेरियल अनसर्टेनिटी को हाईलाइट करो ठीक है सर बट सर अगर डिस्क्लोजर नहीं है सुनो ना अगर डिस्क्लोजर नहीं है तो क्या करें मैंने कहा वही जो पहले करते थे क्वालिफाइड या एडवर्स कंक्लूजन आप इस केस में देके चलोगे एंड अपने बेसिस ऑफ क्वालिफाइड और एडवर्स कंक्लूजन में बोल देना मटेरियल अनसर्टेनिटी तो है मटेरियल अनसर्टेनिटी तो है बट डिस्क्लोजर नहीं है बट कहीं ना कहीं यहां डिस्कलोजर नहीं है अब सर अदर कंसिडरेशन क्या है बहुत सिंपल है इधर देखो सपोज अगर कोई डॉक्यूमेंट है ठीक है देर इज अ डॉक्यूमेंट इस डॉक्यूमेंट में आपकी इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी है रिव्यू लिखा है उस पर तो क्या उसके साथ आपकी रिव्यू रिपोर्ट भी होनी चाहिए हा होनी चाहिए इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए रिव्यू रिपोर्ट भी होनी चाहिए अगर मैनेजमेंट रिव्यू रिपोर्ट नहीं डाल रही तो उनको रिक्वेस्ट करो अगर वो नहीं मानते तो लीगल एडवाइस ले लेना तो देखो क्या कहता है डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की उसका रिव्यू हो चुका है तो रिव्यू रिपोर्ट भी होनी चाहिए बट अगर नहीं है तो आप लीगल एडवाइस ले लो ठीक है सर अगर आपने कोई मॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट दे रखी है और मैनेजमेंट ने इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो दे दी बट मॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट उसके साथ नहीं लगाई तो अगेन आप उनको रिक्वेस्ट करोगे उसको इंक्लूड करें अदरवाइज आप लीगल एडवाइस लेके रिजाइन कर सकते हो अब सर रिजाइन किससे करें रिव्यू से नहीं ऑडिट से रिजाइन कर दो यह कहता है जो आपका ऑडिट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसी से आप रिजाइन कर दो अगर मैनेजमेंट इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें कर रही है अब सर कंटेंट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है दो तरीके की हो सकती है कंप्लीट हो सकती है यानी बैलेंस शीट पीएनएल कैश फ्लो विद फुल डिस्कलोजर या ये हो सकती है समरी हो सकती है तो जब भी आप ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हो ठीक है तो इसको हमेशा रीड करना है विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देखो क्या कहता है जब भी आपके इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कंडेंस सेट होगा तो आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी आधे अधूरे डिस्कलोजर होंगे बट छोटा थोड़ा एक्सप्लेनेशन होगा ऑफ द इवेंट्स एंड चेंजेस जो भी उस इंटरिम पीरियड में हुए ठीक है सर ऐसा जनरली प्रिज्यूम किया जाता है कि जो लोग हैं जिनके पास इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जा रही है क्वार्टरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जा रही है उनके पास एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अवेलेबल होंगे क्योंकि हर लिस्टेड एंटिटी को अपने वेबसाइट पर डालनी पड़ते हैं ठीक है सर बट अगर कोई अदर केस है यानी कोई लिस्टेड एंटिटी नहीं है जिसके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो उस केस में आप बोलोगे इंटरिम को एनुअल के साथ रीड करना जो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको एनुअल के साथ रीड करना यानी दिस शुड बी रेड विद द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऐसा नहीं है तो इसको मिसलीडिंग माना जाएगा इसके इंप्लीकेशन आप रिव्यू रिपोर्ट पे देखोगे लास्ट में आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी चीज कमी नहीं होनी चाहिए अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ इस क्वेश्चन पे देखो क्या कह रहे हैं ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ अ कंपनी जिसके आप ऑडिटर हो मुझे एक बात बताओ अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट का रिव्यू कर रहे हो और आप ही कंपनी के ऑडिटर हो कौन सा साड़ी लगेगा साड़ी के फॉल चौबीस सा, साल में एंड क्वार्टरली मतलब इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो टू फोर वन जीरो ठीक है सर इट इज गैदर्ड ऑन इंक्वायरी दैट देयर इज अ मेजर फायर आग लगी आग लगी कहां लगी सर फेब्रिक प्रोसेसिंग प्लांट में

हम अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे विद पैरा तो यही बात आपने लिखनी है आप यहां पे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा डाल के चलेंगे और रिव्यू रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे क्लियर है क्लियर है सर अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू सी ए सीरत सी ए सीरत इज कंडक्टिंग द रिव्यू ऑफ क्वार्टरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसकी वो ऑडिटर भी है अगेन कौन सा साड़ी लगेगा टू फोर वन जीरो जैसी आपने मेंशन कर दिया ना टू फोर वन जीरो एग्जामिनर का दिल ना एकदम खुशम खुश हो जाएगा She believes it is necessary to make a material adjustment to quarterly financial information so that it is prepared in all material respects as per the frf She has communicated to CFO and audit committee. However, no response is received. to mujhe batao अगर आपने material adjustment के लिए बोला but वो adjustment करने को ready नहीं है ठीक है? तो क्या करना चाहिए सर आप अपनी report को modify कर सकते हो modify का क्या मतलब है जो आपको opinion ठीक लगता है disclaimer adverse qualified वो कहीं ना कहीं आप दे सकते हो ठीक है सर अब सर आप disclaimer क्यों बोल रहे हो आप यहां पे डिस्क्लेमर क्यों बोल रहे हो आपको कै, आप कैसे बोल रहे हो कि एविडेंस मिला या नहीं मेरे को बताओ। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है हाँ सर तीनों ऑप्शन ओपन तो तीनों ऑप्शन की आपने बात करनी है ठीक है सर प्लस आप क्या कर सकते हो आप, आपकी जो एंगेजमेंट है ना ठीक है हम यहां पे डिस्क्लेमर वाले भी सारे ऑप्शन लेंगे आप विद्रॉ भी कर सकते हो फ्रॉम द एंगेजमेंट आंसर इज यस मैं कहता हूं रिव्यू ही क्या आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली एंगेजमेंट से भी निकल जाओ जो आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली एंगेजमेंट है एक तो रिव्यू रिव्यू एंगेजमेंट एंगेजमेंट है है एक ऑडिट ऑडिट की है। आप के साथ साथ से भी रिजाइन कर सकते हो तो ये तीनों बातें आप कहीं ना कहीं यहां पे ओपन एंडेड आंसर लिखोगे मॉडिफाई कर दो तो, मतलब डिस्क्लेमर एडवर्स क्वालिफाइड डिस्क्लेमर क्या निकल ही जाओ ना पतली गली से यानी रिव्यू से भी निकल जाओ और ऑडिट से भी आप निकल सकते हो क्लियर है बॉस क्लियर है सर हमेशा याद रखना एक छोटी सी बात सर क्या जब भी ऐसा लगे कि सर मेरे से तो हो ही नहीं रहा मेरे से तो ये क्वेश्चन ही नहीं, नहीं सॉल्व हो रहा मेरे से तो ये चीज हो ही नहीं रही तुम एक्सपर्ट हो गया नहीं सर हम बिगनर हैं तो हमेशा याद रखना जो आपको लोग दिखते हैं ना एज अ एक्सपर्ट किसी का ऐसा लगता है ऑल इंडिया रैंक आ गई कोई सी एग्जाम क्लियर कर गया पास हो गया अरे ये लोग भी तो एक टाइम पे इसी पोजिशन पे थे ना इनको कुछ नहीं आता था इन्होंने बिगनर होके मेहनत करी इन्होंने बिगनर होके मेहनत करी एंड

स मिनट लग गए प्लीज आप भी इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा सो दैट यू आर एबल टू स्कोर रियली रियली गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स ठीक है थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस रिवीजन यू ही खुशी खुशी मना पढ़ते रहे खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे ऑल द बेस्ट लगे रहो